तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो जी सीन ये है कि हम ना ग्रॉसरी करके रात के कोई 10 बजे वापस आ रही थी। हमने सोचा क्यों ना यार, भूख लगी तो खाना ही खा लेते हैं रास्ते में से। अच्छा, रास्ते में हम रुके न्यू कराची में, ये जगह है और जो है वो बैकग्राउंड देख के आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सी जगह है। सिग्नेचर वाले के बैठे हुए जहाँ पे उसने जो है वो डाइनिंग मतलब टेबल वगैरह चेयर टेबल नहीं लगाई होती रोड पे ना, वो क्या कहते हैं उनको, आई डोंट नो उसे क्या कहते हैं, पर वो लगाए हुए थे। तो खैर हम उस पर जाके बैठ गए और हमने कहा यार क्या खाना है क्या करना है डिसाइड ही कर रहे थे। हम आपस में एक दूसरे को गप्पे लड़ा रहे थे, लेकिन बात यह है कि वॉइस रियल इसलिए बंद कर दी क्योंकि बैकग्राउंड से ना इतनी ज़्यादा कोई ट्रैफिक की आवाज़ आ रही थी, मेन रोड पर ही थी ना, तो फिर इसलिए बंद कर दिया। अच्छा, तो खैर हमने ना यहाँ ऑर्डर किया लेमन जूस टिक्का और जो है उसके बाद पराठा वगैरह। टोटल हमारा बिल ये बन गया 1000 का ना। तो हुआ ये कि जब हम ग्रॉसरी करके आ रहे थे ना, वसीम ने जितनी भी कार्ड से ना पेमेंट कर दी थी और यहाँ चलता है कैश। तो हमने बोला कि ना खाना पीने के बाद कि यार वसीम चलो बिल पे कर दो, बिल देने आ गया। तो यहाँ डिलीवरी हमारे पास पैसे ही नहीं थे, हमारे पास क्या वसीम के पास पैसे ही नहीं थे। वो तो वहाँ से मैं अपना बैग लेकर गई थी तो उसमें मेरे पास पैसे पड़े हुए थे, अगर मैं अपना बैग ना लेके जाती तो हम कहाँ से पे करते, कार्ड से निकलवा कर लाते फिर पे करते। यही प्रॉब्लम आ जाती है जब कार्ड से हम लोग शॉपिंग या ग्रॉसरी कर रहे होते हैं, तो बहुत सी जगह ऐसी होती है जहाँ कार्ड नहीं चल रहा होता ना। अच्छा, हम यहाँ अभी लेमन जूस टिक्के पे बात कर रहे हैं कि वाकई बहुत मज़े का था, गज़ब का था। कभी आपने भी ट्राई नहीं किया हो तो करना, लेकिन उसके साथ ना लाजमीन से पराठे लेके जाना क्योंकि चपाती के साथ भी इतना मज़े का नहीं लगता जितना वो पराठों के साथ बहुत मज़े का लगता है। तो पीछे से व्यू वगैरह आपने देख लिया होगा मैं कहाँ की बात कर रही हूँ, और रीज़नेबल भी है, ज़्यादा महंगा नहीं, आई थिंक कोई 450 समथिंग का है। तो खैर यही शेयर करने के लिए आपको मैंने ज़्यादा डिटेल में ये वीडियो दिखाई कि यार लाजमी अपने साथ कैश रखा करें। कहीं कहीं ऐसा होता है कि आपका कार्ड काम नहीं कर रहा था और आप जब खा भी चुके होते हैं तो फिर ये है कि आपको ये टेंशन हो जाती है कि पे कहाँ से करें। फिर ये कि मैंने पे किया तो कोई नहीं, कभी कभी जैसे चल जाता है, कभी हस्बैंड कभी वाइफ पे कर दे, उसमें कोई बड़ा इशू नहीं होता है। ये देखें ये बैठा हुआ मजे से, कहता तो कुछ नहीं, मुझे भी लगा था कि कुछ नहीं कहेगा लेकिन लग गया। आज बच्चे सब ऊपर गए हुए हैं, मौसम बड़ा ही ज़बरदस्त हो रहा है, ऊपर चल के देखते हैं क्या है। ये भाई किसकी कॉल आ गई, किसकी कॉल आ गई, नहीं ले कॉल आ गई। ये लीजिएगा, बड़ा जबरदस्त हो रहा है, मौसम तो खतरनाक हुआ है, खतरनाक। हाँ, मौसम देखो कैसे जबरदस्त हो रहा है ना। हम प्लान कर रहे हैं बाहर जाएं, लेकिन बाहर जाते अगर बारिश हो यार, नहीं यार बारिश हो रही पीछे तो वो देखो, ये देखो। हाँ अभी यहाँ बारिश हो जाएगी देख लेना, लेकिन मुझे लग नहीं रहा अभी बारिश होगी क्योंकि बहुत ना तेज जल्दी जल्दी बादल चले, जब स्लो स्लो चलते ना तब तेज बारिश होती है, जल्दी जल्दी बादल चले जब स्लो स्लो चलते ना तब तेज बारिश होती है। शाबाश, ये एनालिटिक्स कहां से आ गए भाई, किस तरह से आ गए, ये तो पता ही नहीं था भाई, किस तरह से पता ही नहीं था। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। मैं बाहर फिर गया और क्या, आप तो यहीं से बस मौसम के मजे ले रहे हो, बाहर चलो चलो यार, चलते हैं बाहर चल के देखते हैं अभी। बच्चे कब से, चलो भाई उतरो नीचे, बच्चों को तो ले जाना है ना आउटडोर, थोड़ी देर आधे घंटे में आ जाएंगे, फायदा आधे घंटे का। चलो चलो जल्दी जल्दी उतर जाए भाई, बहुत तेज हो रही है वो देखो कैसे, ओ भाई वो आ रही है, उड़ जाओगी उड़ जाओगी तुम, उड़ जाओगी, हवा ले जाएगी उड़ा के। बहुत बुरी तरीके से चल रही है, लग रहा है ऊपर से कहीं ये उतरेगा, बारिश होने लग गई है वो देखो भाई, सही हो भाई,
भाई उड़ भाई उड़ भाई भाई उड़ उड़ भाई उड़ 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 बहुत तेज है भारी देखते हैं ना यार क्या क्या बहुत तेज बारिश आ रही है भाई आंधी लग रही है उमल भी हुई बिगड़ गई देखिए इतनी कोई तेज़ हवा चल रही थी ना कि वसीम के ऊपर ऊपर जो ब्लू टंकी रखी हुई थी ना वो आके बिल्कुल किनारे पे और वसीम उतरते उतरते बुरी तरह नीचे गिरे हो तो शुक्र है कि ज़्यादा चोट नहीं लगी लेकिन फिर भी ये बास नहीं आए। फटाफट वो थोड़ी देर रुके और मोबाइल उठाया दोबारा और फिर ऊपर चले गए छत पर। खूब नहाया जब तक बारिश होती रही है ना कोई एक डेढ़ घंटे ये कंटिन्यू नहाते रहे हैं। बाद में जो इनको रियलाइज़ हुआ है ना जो इनकी चोट लगी है लग गई खूब छीके छू 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 बारिश में खूब नहा लिए हैं। आ जाओ चाय पी लो। हुज़ैफ़ा का प्रोग्राम कैंसिल हो गया चाय कोई बात नहीं हुज़ैफ़ा का हो गया तो क्या है नेक्स्ट वीक को चले जाएंगे जब भी ऐसी बारिश हो जाएगी। चाय पी लो थोड़ी सी थके थोड़ी गर्माइश आ जाए। और बिस्किट वगैरह काला बिस्किट क्यों लेकर आ यार बच्चों को पसंद है यार ये। चलो यार इस व्लॉग को भी यहीं एंड करते हैं फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।